जल्दी जल्दी, चोर को पकड़ रखा है मैंने। अबे खड़े खड़े घूरता क्या है बे? अबे जाना रस्सी लेके। अरे कहाँ लाए हम? नाजुक हाथों से जिसे लपेट रखे तो रस्सी की क्या जरूरत है? अब खुद ही संभालो। घर में कोई चोर आ गया है। चोर 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 चोर। अरे कहाँ जा रहे हो? कम से कम आप तो रस्सी लेके आओ। अरे छोड़ो उसे, छोड़ो उसे, छोड़ो। छोड़ दूँ? हाथ आए चोर को कैसे छोड़ दूँ? अरे भाई ढील दो, हाथों को ढीला करो। आप कह रहे हैं इसको ढीला छोड़ दूं? मैं तो और जोर से पकड़ूंगा। हमारी पकड़ से कोई नहीं भाग पाया, तू कैसे भागा? अरे बेटी सोनिया। सोनिया? अरे बाप रे। अरे हमारे प्रीतम परिवार की बेटी को पकड़कर यह आंख बिचौली कैसे? मैं बताता हूँ, आधी रात के वक्त बिना कोई आवाज के आपकी बेटी अंदर घुस आएगी तो कोई चोर समझ कर ही पकड़ेगा ना। बहुत प्यारी नींद सो रहा था मैं जो आपकी बेटी ने खराब कर दी। देखो मुझसे मत टकराओ, गलती आपकी बेटी की है, पहले उसको समझाओ। हाँ भी समझाओ। ये क्या बेटी, किसी को बताए बगैर तुम दिल्ली से अचानक आ गई? चिंता नाना जी, आपकी चिंता, नानी की चिंता, पापा मम्मी की चिंता, खास तौर पर प्रीतम दादा की चिंता। बेकार की बातें बंद करो, तुम कोई दूध पीती बच्ची नहीं, पढ़ाई ठीक ठाक करोगे इसलिए तुम्हें हॉस्टल में रखा था। दामाद जी आप छोड़िए, बच्ची को दूर हॉस्टल में रहकर पढ़ने की जरूरत नहीं, अब हमारे घर पर रहकर पढ़ेगी, आप बंदोबस्त कीजिए। थैंक यू नाना जी। तुमने देखा राम भरोस, मेरी पोती को मुझ पे कितना नाज है, पढ़ाई भी छोड़ दी मेरी चिंता में, पगली कहीं की। पागल बुड़बक, वो प्रीतम परिवार की बेटी सम्राट पर लाइन मार रही थी, इनको समझ में ही नहीं आ रहा।